ऑटो यूनियन द्वारा ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध किया और जिला उपायुक्त को इसकी शिकायत भी की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सोलन में शूलनी ऑटो यूनियन के साथ आरटीओ सोलन ने ऑटो के किराए को लेकर बैठक का आयोजन किया। ऑटो यूनियन द्वारा ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते कुछ संस्थानों ने इसका विरोध किया और जिला उपायुक्त को इसकी शिकायत भी की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सोलन में शूलनी ऑटो यूनियन के साथ आरटी सोलन ने ऑटो के किराए को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शूलनी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। आरटीओ की अध्यक्षता में निजी संस्थाओं और ऑटो यूनियन के बीच किराए को लेकर विचार विमर्श किया गया और बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद ऑटो यूनियन ने किराए को कम करने के लिए सहमति जताई। इस मौके पर आरटीओ राकेश सिंघा ने कहा कि उन्हें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ऑटो चालकों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के ऑटो का किराया बढ़ा दिया था, जो बिल्कुल अनुचित था। इसलिए आज ऑटो चालकों को कार्यालय में बुलाया गया था और उन्हें तुरंत किराया कम करने के निर्देश दिए गए। ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की बात कही है, जिसका प्रस्ताव उपायुक्त सोलन को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने पर ऑटो चालक पुराना किराया ही वसूलेंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे को जो है 6-7 दिन से शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो वालों ने जो है शहर में ज़्यादा किराया जो है जनता से वसूलना शुरू किया है, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से, कुछ शूलनी फेयर की वजह से जो है बैठक नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो है ऑटो यूनियंस के लोग आए थे और उसी के साथ साथ कुछ सिविल सोसाइटीज़ के भी यहाँ पे लोग आए थे, पेंशनर संघ के लोग आए थे, तो उन सबसे चर्चा हुई है और यहाँ पे शहर में जो किराए को लेकर के हमारी जो सहमति बनी है उसको, उनकी जो प्रपोजल है उसको जल्दी ही जो है डीसी साहब के पास जो है वो भेजा जाएगा, ताकि जो ये इशू चल रहा था ये रिजॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ जो किराया है वो ऑटो यूनियन को जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो अभी तक जो आधिकारिक किराया है, जो पुराना किराया है, वही वसूला जाएगा जब तक जो है वो नए किराए की अधिसूचना नहीं हो जाती है, जब तक जो प्रपोजल है वो डी साहब से फाइनल नहीं हो जाती है, तो वो पुराना किराया ही वसूला जाएगा। अगर कोई जो है इसमें संलिप्त तो पाया जाता है और अगर ज़्यादा किराया वसूलता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।